हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो में ड्राफ्टिंग बनाएंगे वो है जेंट्स शॉर्ट और जेंट्स निक्कर। ये बच्चे और जेंट्स कोई भी पहन सकता है इस निक्कर को। ये कई तरह की होती है, लूज बॉटम, टाइट बॉटम, फिटिंग वाली, ये कई तरह की बनती है। तो इसमें जो मेन मेजरमेंट्स चाहिए वो है लेंथ, वेस्ट, सीट, बॉटम। इसमें भी ऊपर बेल्ट लगेगी, साइड में पॉकेट रहेगी और फ्लाई जिप लगेगी। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। जेंट शॉर्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं, उसके लिए सबसे पहले ये बेसिक लाइंस लगा ली। ए टू बी फुल लेंथ माइनस बेल्ट, इसमें बेल्ट लगेगी जो 2 इंच की रहेगी। तो फुल लेंथ जितनी है उसमें से माइनस बेल्ट कर देंगे। ए टू सी ये रहेगा हिप का तीसरा, ए टू सी ये रहेगा सीट का तीसरा माइनस 2 इंच। ए टू बी फुल लेंथ माइनस बेल्ट, ए टू सी सीट का थर्ड माइनस 2 इंच। ये लाइंस को हमने आगे एक्सटेंड कर लिया। सबसे पहले अब लेंगे सी टू डी, ये लेंगे सीट का तीसरा प्लस 2 इंच, ऊपर लिख रही हूं प्लस 2 इंच सी टू डी। सीट का 1/3 प्लस 2 इंचेस। अब डी से ई अंदर की तरफ जाएंगे, ई सीट का 12 हिस्सा, डी टू ई अंदर की तरफ है 12, इसको ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। ये F, D to E सीट का 12, उसको ऊपर एक्सटेंड कर दिया और इसके साथ मिला दिया। अब D और C ये जितनी भी है लाइन सीट, ये इतनी है सीट का तीसरा प्लस 2 इंच, जितनी है उसका हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे जहां उसका सेंटर आएगा। C और डी का सेंटर पॉइंट जी, जहां पे भी आया उस जी पॉइंट को इस जगह पे क्रीज लाइन के लिए नीचे मिला दिया। सी और डी का सेंटर पॉइंट, उसको स्ट्रेट नीचे मिला दिया जहां पे भी आया। पहले हम बेस इसका तैयार कर लेते हैं, ये जी था, इसको एच पे मिलाया। H टू I ये है बॉटम का 4th हिस्सा, जितनी हमें बॉटम चाहिए उतना हिस्सा, जहां पे भी आया वहां हम निशान लगा लेंगे। H टू J ये भी बॉटम का 4, ये H टू I बॉटम का 4, H टू J बॉटम का 4। अब इसको, ये वाली जो लाइन थी इसको जहां सीट का 12वां आया था उसके साथ मिला देंगे। इस तरह से, और यहां जो आया है उसको हल्की सी, बहुत बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलाएंगे, स्केल से जब मिलाओगे तो हल्का सा ये इस तरह से रह जाएगा, हल्की सी शेप, मिलती मिलती शेप यहां से यहां मिला देंगे, इसको स्ट्रेट मिला देंगे। इसके नीचे बॉटम भी रहेगा, बॉटम की थोड़ी शेप मैं बता देती हूं,
यही लाइन को, कम से कम निक्कर और पैंट इसका जो बॉटम होता है कम से कम जो है ये 3 इंच के करीब रहता है। इसी लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करके बताती हूँ कि कैसे मैं बता रही हूँ। यहां से ये लाइन जो है ये इसका 3 इंच है, ये इसकी टर्निंग है। जस्ट इसको बताने के लिए कि जैसे यहां पे शेप ऐसे है तो इसकी शेप भी ऐसे आएगी, और इसकी शेप स्ट्रेट है तो इसकी शेप इस तरह से आएगी। क्योंकि जैसे ये आया इसी तरह से इसको हल्की सी यहां पे ये 1/2 इंच की बिल्कुल स्ट्रेट हमने इस तरह से मिला दी, और ये बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई शेप नहीं दी गई, बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये नीचे इसके टर्निंग है, ये नीचे इसका बॉटम वाला हिस्सा, फ्रंट, ये अभी फ्रंट बन रहा है। फ्रंट के लिए क्या करेंगे अब इसके आगे, यहां से सीट का 6वां हिस्सा ले लेंगे जहां पे भी आया, ये फ्रंट की शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अब बनाएंगे ये वाला हिस्सा, इसको कमर का चौथा जहां बेल्ट लगनी है उसके अकॉर्डिंग हम फिट करेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये है कितना। सबसे पहले यहां पे लेंगे सीट का 12वां हिस्सा, जहां पे भी आया सीट का 12वां, ये टोटल हमारा कितना था, ये था सीट का 3रा, ये यहां तक लाइन थी सीट का 3रा प्लस 2 इंच, सीट थी 36 तो उसका 3rd आ गया 12 प्लस 2, 14 इंच लाइन थी C2D और सीट का 12वां 3 इंच हम पीछे गए, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, तो ये हमारी चीज है 11, जबकि ये हमें कमर का चौथा रेडी चाहिए, ये वाला हिस्सा F2A जो है ये हमें चाहिए वेस्ट का 4, ये चौथा हिस्सा है ना, तो बेल्ट लगनी है वेस्ट के 4 पे, वेस्ट कितनी है 30, 30 का 4 आ गया 7.5, 7.5 तो हमारे पास है 11, तो कितने इंच ज्यादा हुआ, 11 में से 7.5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, जितना भी बचे हो गया 4.5, हाँ 4 इंच आया हमारे पास ज्यादा हो गया। तो 4 इंच को हम कैसे करेंगे, F से आगे सीट का 12 जहां पे भी आया वहां ले लिया, पहली प्लीट 2.5 इंच की, ये 2.5 इंच की प्लीट आ गई। उसके बाद क्या करेंगे, फिर बीच में सीट का 12 का गैप दे देंगे, और दूसरी प्लीट यहां पे दूसरी प्लीट इस जगह पे हो जाएगी, पहली प्लीट सीट का 12 छोड़ के 2.5 इंच की और दूसरी 1.5 इंच की। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। फ्रंट में एक और चीज लगनी है कि पॉकेट किस जगह पे लगनी है, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे ऊपर ए से A1 1.5 इंच ले लेंगे, ऊपर 1.5 इंच छोड़ के उसके बाद जो पॉकेट का मुंह बनेगा वो बनेगा सीट का 6वां प्लस 1/2 इंच जहां पे भी आया,
ये है सीट का 6 मा प्लस आधा इंच। पॉकेट की का मुंह कितना रखना है, तो ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब इसका बैक पोर्शन बनाएंगे। बैक पोर्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, इन्हीं लाइंस को एक्सटेंड करेंगे। सबसे पहले हम बी को आगे एक्सटेंड करेंगे, इसका पी कर देते हैं इसको, ये पी रखेंगे सीट का 16वां। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे 1.5 इंच, यहां पे भी 1.5 इंच, और इसको यहां से बैक के लिए एक 1.5 इंच बैक पोर्शन के लिए, यहां से भी बॉटम पॉइंट से भी 1.5 इंच, और यहां पे सीट का 16वां हिस्सा। अब बनाएंगे इसकी शेप। शेप के लिए क्या करेंगे, यहां से ए से हम आगे चलेंगे, सीट वेस्ट का कमर जितनी है उसका 1/4 प्लस 2 इंच, यहां से इतना रखना है कि स्पेस 1 इंच की रहे। इसको अपवर्ड, यहां सीट का, ये रेड पेन से इसीलिए आया, ये है वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच, वही डार्ट के लिए। जहां पे भी आए ये देखना है कि यहां जो डिफरेंस है वो 1 इंच रहे, जो फ्रंट वाली लाइन है ये वाली, इससे 1 इंच ऊपर रहे ये वाला पोर्शन। इसको इसी के साथ ई पॉइंट के साथ मिला देंगे, और यहां से बैक की शेप बना देंगे ये वाला पोर्शन। अब बनानी है इसमें डार्ट, बाकी तो सारा सेम है, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। अब डार्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट से, ए पॉइंट से सीट का 12, जहां पे भी आए, मैं फिर बता रही हूं, जो डार्ट पड़ेगी ये जो ऊपर उठी हुई लाइन है बैक पोर्शन के लिए, वहां सीट का 12 छोड़ के 1 इंच की डार्ट का निशान लगाएंगे। ये जो डार्ट है ये इसकी लंबाई सीट का 8वां हिस्सा, 1 इंच की डार्ट, जहां डार्ट खत्म हुई 1 इंच की, वहां से आगे फिर सीट का 12वां छोड़ के अगली डार्ट उसी तरह से पड़ेगी जिस तरह से ये तिरछी लाइन है। जैसे ये वाली रेड लाइन यहां स्लांटिंग आ रही है ना, 1 इंच का ये वाला चीज 1 इंच है, तो 1 इंच जो ऊपर जैसे तिरछी आ रही है, डार्ट्स भी उसी तरह से तिरछी आएंगी, और डार्ट्स की लंबाई सीट का 8वां रहेगी। फ्रंट में प्लीट पड़ेंगे, बैक में 2 डार्ट। डार्ट के लिए एक बार फिर क्लियर कर देती हूँ, ए से आगे सीट का 12, 1 इंच की डार्ट, जहां डार्ट 1 इंच की ले ली, उसके बाद फिर सीट का 12वां, फिर 1 इंच की डार्ट, तो यहां कमर का 1/4 ही बचेगा। तो ये फ्रंट और बैक जो निक्कर है उसकी कंप्लीट हो गई। ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा, ये वाला पोर्शन भी कट जाएगा जब बनाने लगेंगे। तो ये रेड वाली लाइन जो है फ्रंट बैक की शेप है, ब्लैक वाला जो बनाया है रेड की। तो ये जेंट्स निक्कर की फ्रंट और बैक। अब बनाएंगे फ्लाई पॉकेट। जेंट्स निक्कर की पॉकेट बनाते हैं। पॉकेट बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑन फोल्ड, ए टू बी ऑन फोल्ड है ये फॉर्मूला है, सीट का 3रा प्लस 2 इंच, ये लंबाई है पॉकेट की। ए टू सी सीट का 6वां प्लस 1 इंच, बी टू डी
ये भी उतना ही सेम है, सीट का छेमा प्लस एक इंच। डी टू ई सीट का 12वां, डी टू एफ ये भी सीट का 12वां, और इसकी यहां से शेप दे देंगे और ऊपर से सी टू है एफ सी टू जी एक इंच, जी और एफ को इस तरह से मिला देंगे। ये वाला पोर्शन जो है ये कट जाएगा, ये अनफोल्ड रहेगा, ये वाली साइड जो है पॉकेट उसके साथ लगेगी, निक्कर के साथ लगेगी, ये पॉकेट की है। अब बनाते हैं फ्लाई। फ्लाई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए टू बी ये है, जैसे हमने निक्कर में लिया था सीट का तीसरा माइनस डेल, ए टू सी जो है जैसे निक्कर में लिया था क्योंकि वहीं फ्लाई लगनी है। ए टू सी 2 इंच, बी टू डी ये भी 2 इंच, डी टू ई सीट का 12वां हिस्सा जैसे आया, सी टू एफ जहां पे भी आया सीट का 6वां हिस्सा, इधर से एफ को जी को भी सीट का 6वां हिस्सा, ए टू जी सीट का 6वां हिस्सा। डी से इस तरह से सीट का 24वां कम से कम लेंगे, सीट का 24वां और इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहां से इसको इस तरह से, तो यानी कि ये वाला हिस्सा भी कट जाएगा। मैं डॉटेड इसलिए लगा रही हूं ताकि पता लग जाए कि रेडी क्या रह जाएगा, और हमारे पास फ्लाई ये रेडी रह जाएगी। एक मिनट, हाथ मेरा आ रहा है, हाँ ये वाला हिस्सा सारा कट जाएगा और ये वाला रेडी हिस्सा जहां जहां पे जिप लगनी है ये फ्लाई तैयार रह जाएगी। निक्कर की बेल्ट बनाने के लिए ये मार्किंग की है मैंने, निक्कर या पैंट कोई भी चीज बनानी हो उसमें बेल्ट दो पीसेस में बनती है, एक लेफ्ट से हाफ राइट हाफ बैक तक जाएगी, दूसरी राइट साइड से हाफ बैक तक जाएगी, यानी कि एक साइड जो है जिसमें वो आगे जिसमें हुक लगी होती है थोड़ा लंबा पीस होता है वो राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, जेंट्स में लेफ्ट साइड की रहती है, ऊपर की तरफ रहती है। तो एक ये जैसे हम पीस बना रहे हैं ये लेफ्ट साइड का है पैंट की, पैंट जब भी लूज पैंट या निक्कर जब भी लूज की जाती है आपने देखा होगा कि बैक साइड में जो बैक के में सिलाई होती है पैंट की उसमें कपड़ा एक्स्ट्रा होता है, वहां से लूज करते हैं जब भी कमर से करते हैं, तो बाकी फ्रंट हाफ से लेके बैक हाफ तक एक पीस होता है दूसरा दूसरा। तो हम ये वाला लेफ्ट साइड वाला बना रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे ए टू बी बेल्ट की जितनी चौड़ाई है वो लेंगे, ए टू सी और बी टू डी ये इक्वल है 4 इंच है, जिसमें आगे से हुक लगती है जिसके वो बड़ा वाला पीस जो होता है ये वो वाला है 4 इंच। उसके बाद सी टू ई कमर का चौथा, ई टू जी ये भी कमर का चौथा, जी टू आई और एच टू जे जो ये है ये एक्स्ट्रा चीज है, ये 3 इंच हम लेंगे, ये 3 इंच की जगह 2 इंच भी लिया जा सकता है, ये मेन इसका मेन पर्पस होता है कि कभी भी पैंट जो कमर से लूज करनी हो तो इस पॉइंट से खोल के लूज की जाती है। तो इस तरह से लिया, ये लेफ्ट साइड की बेल्ट बन रही है। इसके लिए हम हल्का सा इसमें, क्योंकि बैक साइड आपने पैंट निक्कर में नोट की होगी ड्राफ्टिंग में उसको 1 इंच ऊपर उठाया था, तो इसके लिए क्या करेंगे हल्की सी एक शेप दी जाती है, उसके लिए क्या करेंगे यहां से इस पार्ट से जे से
ऊपर जो है एक इंच ऊपर की तरफ जाएंगे। ये दो इंच की बेल्ट है, एक तरह से हम कहें कि सेंटर से हल्का सा ऊपर जाएंगे और उसको ये दो इंच है तो इसको दो इंच से पॉइंट कम इसको ऊपर ले जाएंगे। सेंटर लिया जे और इसका आई और जे का सेंटर लिया, उसको ऊपर ले गए कितना, जितना ये बेल्ट हमारी चौड़ी थी दो इंच थी तो इसको दो इंच से पॉइंट वन कम करना है। इसको ऊपर लेके गए और एफ से मिलती मिलती शेप हल्की सी शेप इस तरह से आएगी और यहां भी ई से मिलती मिलती शेप ये स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सी इस तरह से बनेगी और इस तरह और ये शेप, ये वाली चीज जो है बेल्ट की कट जाएगी। ये हल्की सी राउंड शेप आएगी वो एक इंच, क्योंकि बेल्ट अगर वो बैक वाला पोर्शन जो एक इंच उठा रहता है अगर उसके ऊपर सीधी बेल्ट लगा देंगे तो वहां झोल आ जाता है, कपड़ा जो है वो मुड़ जाता है, तो उसके लिए हल्की सी शेप इस तरह से दी जाती है। ये एक साइड की बेल्ट होगी। अब दूसरी साइड की बेल्ट, दूसरी साइड में ये चार इंच जो है इतना नहीं, क्योंकि फ्लाई लगनी है, फ्लाई की वजह से इसको सिर्फ एक इंच ज्यादा रखना है कमर से, ये एक इंच ज्यादा है जहां पे फ्लाई लगनी है, एक पीस ज्यादा होता है तो एक इंच का दो इंच का जो फ्लाई चौड़ी रखी है वही वाली उसको ले लेंगे और यहाँ पे सेम इसी तरह से ये मार्किंग कर दी। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसी पॉइंट का सेंटर किया और इसको इस तरह से ले लिया और इस पॉइंट को दो इंच से पॉइंट एक नीचे किया और इसको इस तरह से ये वाला पॉइंट जो है ये कट जाएगा, ये फ्लाई वाले हिस्से में दो इंच आ जाएगा, ऊपर चार इंच है और ये वाला हिस्सा, ये एक बेल्ट ये वाली बन जाएगी और दूसरी बेल्ट मैं निशान लगाती हूँ रेड कलर से, एक बेल्ट जिधर फ्लाई लगनी है वो साइड ये वाली होगी दो इंच वाली, दूसरी चार इंच जो आगे दो इंच बढ़ के वो जहां पे वो लगती है हुक लगेगी वो, और ये बैक वाला हिस्सा बैक में आ जाएगा। तो ये बेल्ट जो है ये भी कमर का फोर है, ये भी कमर का फोर है, ये तीन इंच है, ये तीन इंच की जगह दो इंच भी हो सकता है, ये सिर्फ इसका लूजनेस है कि कल को खोलनी हो तो बेल्ट यहां से खुल जाए। तो ये हमारी ड्राफ्टिंग जो है निक्कर की जेंट शॉप की फिटिंग वाली जो है वो कंप्लीट हो जाती है।